Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the next topic of last unit, that is drugs used in emergency cases or CPR, cardio पल्मोनरी रेसुसिटेशन और एमरजेंसी केसेस के लिए ड्रग्स जो है आपके पूछी जाती हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके आता है, तो देखिए ये लिस्ट है जो हम एमरजेंसी मेडिसिंस या एमरजेंसी ड्रग्स काम में लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एमरजेंसी में ऑब्वियस ऑक्सीजन, से ज़्यादा कुछ एमरजेंट तो होएगी ही नहीं ना। इसके अलावा कार्डियक डिसऑर्डर की ड्रग्स भी आएगी, इसमें पॉइजनिंग की भी आएगी, शॉक की भी आएगी, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए भी और पल्मोनरी एडिमा के लिए भी ड्रग्स जो हैं वो आपके आएंगी। जैसे ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है तो 6 मिनट के अंदर अंदर ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर से हम इसको मेजर्स कर सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन को 95% सैचुरेशन जो होती है वो होनी चाहिए, अदरवाइज ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। ये दिखाया हुआ है इसके अंदर कि गोल्डन पीरियड है, ग्रीन से ब्रेन इस ग्रे वाले में डेड होना स्टार्ट हो गया है, डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, और फाइनली वो इतना डैमेज हो जाता है कि अब आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो ब्रेन न्यूरॉन्स कभी भी इनमें कोई रिपेयरिंग वगैरह कुछ हो नहीं सकती, अगर ही अगर कुछ भी डैमेज डिस्ट्रॉय कुछ हो जाता है तो। और फिर आपका ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है हाइपोक्सिक कंडीशन के प्रति, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, सबसे पहले आपका ब्रेन मरना स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए जो है वो दी जा रही होती है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे शॉक, ट्रॉमेटिक इंजरी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियक अरेस्ट, इन सब के अंदर ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है एमरजेंसी मेडिसिन के रूप में। इसके अलावा COPD पेशेंट्स में भी हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी ड्राइव उनके अंदर ख़त्म हो जाए तो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए अपन ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन एमरजेंसी में दी जाती है, पर सीवियर स्ट्रेस जैसे एंजाइना एरिथमिया में नहीं दी जाती। नेजल कैन्यूला के थ्रू आप 1 to 6 liters पर मिनट के हिसाब से इसको दे सकते हैं। इसके अलावा फेस टेंट, जिसमें हाई ऑक्सीजन फ्लो होता है, वो बच्चों के लिए फेस टेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। ये फोटो में भी पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है। तो ये तो थी ऑक्सीजन के कहाँ कहाँ पे हम उसका यूज़ कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर अपन यूज़ कर रहे थे और दूसरी कंडीशंस में भी अपन इसका यूज़ कर रहे हैं। अब कार्डियक डिसऑर्डर्स के लिए कौन कौन से ड्रग्स अपन काम में लेते हैं, तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि वैसोडाइलेटर होता है। किस किस में दी जाती है? एंजाइना पेक्टोरिस में और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। सब लिंगुअल ये दी जाती है 0.3 to 0.4 mg, अपन हर 5-5 मिनट में इसको रिपीट करते हैं। मैक्सिमम 3 doses आप इसको दे सकते हो। अगर IV इन्फ्यूज़न के थ्रू देनी है तो 50 mg per 10 ml डाइल्यूट आप करने के बाद उसको देंगे, या 5 microgram per minute के हिसाब से, 5 microgram से लेकर 20 microgram per minute के हिसाब से भी आप इसका इन्फ्यूज़न कर सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक वैसोडाइलेटर है, वो कभी भी सिल्डेनाफिल के साथ में नहीं दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ड्रग आ रही है मॉर्फिन सल्फेट, ये नारकोटिक एनाल्जेसिक होती है। मॉर्फिन सल्फेट नारकोटिक एनाल्जेसिक है। MI से जुड़ा हुआ चेस्ट पेन अगर किसी को हो रहा है तो अपन मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर तो अपन नाइट्रोग्लिसरीन दी थी, और अगर MI से जुड़ा चेस्ट पेन है तो मॉर्फिन सल्फेट देनी है, जो कि नारकोटिक एनाल्जेसिक है। 1 to 4 mg IV इसको देनी है ओवर 1 to 5 minutes, 1 to 5 minutes तक 1 to 4 mg IV आप दे सकते हो। रिपीटेड डोज 5 to 30, तब तक जब तक कि चेस्ट पेन में आराम नहीं मिल जाता तब तक आपको ये डोज IV उसको देनी है। इसके एडवर्स इफेक्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन पर्सन को हो सकता है। नेलोक्सोन, जिसको अपन नारकेन भी कहते हैं, ये मॉर्फिन के असर को रिवर्स कर देता है, तो अगर इसका एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे तो यह हम यूज़ कर सकते हैं नेलोक्सोन। नेक्स्ट कार्डियक की ड्रग है एट्रोपिन सल्फेट, ये वेगस नर्व के एक्शन को इनहिबिट कर देती है, ब्रेडी कार्डिया, एसिस्टॉल और AV ब्लॉक के
के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको काम में लेते हैं। 0.5 से 1 mg आपको 3 से 5 मिनट के अंदर अपना असर दिखाएगी। 0.5 से 1 mg आप ड्रग दे सकते हैं। क्या काम करती है एट्रोपिन? वेगस नर्व के एक्शन को रोक देती है, इसलिए ब्रेडिकार्डिया में ये दे सकते हो। एस स्टॉल हो जाए किसी को या एवी जो है उसका ब्लॉक हो जाए तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आइसोप्रोट्रिनोल, ये बीटा एडिनर्जिक ड्रग होती है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाती है। हाइपोटेंशन के लिए अपन दे सकते हैं, बीपी लो हो जाए, हार्ट रेट कम हो जाए तो अपन आइसोप्रोट्रिनोल दे सकते हैं। अपने को इसमें हार्ट रेट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, लगातार मॉनिटर करते रहिए। नेक्स्ट ड्रग है एपिनेफ्रिन, ये हार्ट और ब्रेन में परफ्यूजन को ठीक करती है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई को अच्छा करती है और ब्रोंको डाइलेशन करती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ये ड्रग्स आपने पढ़ी हैं भाई, ये चैप्टर तो हो गया ना अपना, बीटा एडिनर्जिक वाला टॉपिक हो चुका है हमारा, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो ये हार्ट और ब्रेन में परफ्यूजन को इम्प्रूव करती है और ब्रोंको डाइलेशन का काम करती है। एपिनेफ्रिन ई ड्रग है जो हाइपोटेंशन में दी जाती है, पल्स लेस वीटैक के लिए, वी फाइब्रिलेशन के लिए और स्टेटस एस्थेमेटिकस में दी जाती है। इसमें कार्डियक और हीमोडायनामिक्स को हमें मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट ड्रग है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोटिक स्टेट जो कि कार्डियक अरेस्ट से जुड़ी हुई होती है उसके लिए दी जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया हो तो अपन सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। बाइकार्बोनेट है मतलब एल्कली ड्रग है ये, तो एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन ये बाइकार्बोनेट ड्रग देते हैं। 1 मिली इक्विलिब्रियम पर kg वेट के हिसाब से IV इन्फ्यूज की जाती है। मे बी रिपीट कर सकते हैं 0.5 मिली इक्विलिब्रियम, शुरुआत में 1 दी थी और बाद में 0.5 देना है, हर 10 मिनट के बाद आप इसको दे सकते हो अगर आवश्यकता पड़े तो। अब एंटी एरिदमिक कार्डियक डिसऑर्डर में अगर एरिदमिया किसी को हो गया हो तो एंटी एरिदमिक के रूप में अपन एडिनोसिन, वेरापामिल, डिलिटाजैम, लिडोकेन, अमायोडायरोन और प्रोकेनामाइड ड्रग अपन दे सकते हैं। इसमें अमायोडायरोन जो है वो वेंट्रिकुलर या एट्रियल एरिदमिया हुआ उसको ट्रीट करने के लिए लेते हैं। अमायोडायरोन जो है वो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में इनकम्पैटिबल होती है, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के साथ नहीं दी जाती, ये ध्यान रखने वाली बात है। और किसके लिए दे रहे हैं? वेंट्रिकुलर एट्रियल एरिदमिया के लिए। प्रिपरेशन इसकी लोडिंग और मेंटेनेंस डोज दी जाती है, लोडिंग डोज कैलकुलेट की जा रही है अमायोडायरोन डोज की, 5 mg पर kg वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देंगे। 250 ml डेक्सट्रोस, 5% 250 ml का डेक्सट्रोस के अंदर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करके तैयार करिए और 1-2 घंटे तक आपको इन्फ्यूज़ करना है 125 से 250 ml पर आर के हिसाब से। ये तो इसकी लोडिंग डोज हुई। मेंटेनेंस डोज में मिक्स कैलकुलेटेड मेंटेनेंस डोज अमायोडायरोन की 10 से 15 mg पर kg के हिसाब से 500 ml डेक्सट्रोस 5% में आप लेते हैं और 24 घंटे तक इन्फ्यूज़ किया जाता है। 20 ml पर आर के हिसाब से आप इसको देंगे। नेक्स्ट ड्रग है एडिनोसिन। एडिनोसिन बहुत शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है, यूज़ की जाती है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकाईकार्डिया को या टैकीकार्डिया आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। हार्ट बीट बढ़ जाए तो आप इसको दे सकते हैं। बेस्ट इंट्राक्रेमेंटल डोज इसकी, इंक्रेमेंटल डोज इसकी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग देखें भाई कैसा पर्सन का रिस्पॉन्स आ रहा है। इनिशियली 6 mg दी जाती है और अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप उसको 12 mg भी दे सकते हो और अगर बहुत आवश्यकता हो तो फिर उस 12 mg के बाद आप 18 mg भी इसकी दे सकते हो। रैपिड इंट्रावीनस बोलस के रूप में आप इसको दे सकते हो। 20 ml 0.9% सेलाइन फ्लश के अंदर दी जाती है। एस्थमेटिक पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज़म को बढ़ा देती है ये और थियोफाइलिन को ये एंटागोनाइज कर देती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट है प्रोकाइनामाइड, ये एंटी एरिदमिक एजेंट है क्लास IA का। IV इसकी लोडिंग डोज 15 से 18 mg पर kg के हिसाब से एडमिनिस्टर की जाती है स्लो इन्फ्यूज़न में 25 से 30 मिनट तक, या 100 mg पर डोज दी जाती है। इसकी रेट 50 mg पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको हर 5 मिनट में आपको रिपीट करना है। टोटल डोज इसकी 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं।
इसकी मेंटेनेंस डोज में अपन 1 से 4 mg पर मिनट के हिसाब से मेंटेन करते हैं। कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न करना होता है। मेंटेनेंस इन्फ्यूज़न जो है वो शुड बी रिड्यूस बाय 1/3 इन पेशेंट्स। 1/3 पेशेंट्स में रिड्यूस कर सकते हैं मॉडरेट रीनल या कार्डिक इम्पेयरमेंट हुआ उसके साथ में, या फिर 2/3 पेशेंट्स में दी जाती है अगर किसी को सीवियर रीनल या कार्डिक इम्पेयरमेंट है तो। और इस डोज को अपन पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही टाइट्रेट करते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा नहीं। पहले रिस्पॉन्स देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए। तो देखना है हमारे को कि मॉडरेट रीनल या कार्डिक इम्पेयरमेंट है क्या, या सीवियर रीनल कार्डिक इम्पेयरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग 1/3, 2/3 अपन उसको चेंज करते हैं मेंटेनेंस इन्फ्यूजन को। तो कार्डियक के ख़त्म ड्रग्स। नेक्स्ट आती है न्यूरोसर्जिकल डिसऑर्डर्स। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो ड्रग्स कौन सी देते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं हालांकि टॉपिक पर, फिर भी देख लीजिए। मैनिटॉल यूज़ किया जाता है, ये ऑस्मोटिक डायूरेट है, डायूरेटिक है जो कि सर्बल एडिमा में दिया जाता है। ये ICP को बढ़ा देता है, इंटरक्रेनियल प्रेशर को। इनिशियल डोज 0.5 से 1 g/kg IV दे सकते हैं 25% सॉल्यूशन के। ये वेन्स में हाईली इरिटेटिव है, ये क्रिस्टल्स बना लेती है ड्रग जो है मैनिटॉल, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं तो इसको वार्मिंग सॉल्यूशन से रीडिसॉल्व कर लीजिए। क्रिस्टल नहीं देने हैं आपको तो डिसॉल्व करिए गर्म सॉल्यूशन से। फिल्टर टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन आप सेट कर सकते हैं इन्फ्यूज़न सॉल्यूशन के लिए। और मैनिटॉल 20% से ज़्यादा या उसके इक्वल आप इसको रखते हुए इन्फ्यूज़न आप दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए या सर्बल एडिमा हो जाए तो दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन HIV इन्फेक्शन में नहीं देनी है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी है ड्रग, ध्यान रखिए भाई, क्योंकि ये टेराटोजेनेसिटी कॉज करती है। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ किसी को हुई हो तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन आपको नहीं देनी है। तो न्यूरो की ड्रग, न्यूरो की कंडीशन में ये देनी है। अब पॉइजनिंग किसी को हो जाए, कोई पर्सन जहर खा जाए, जहर ले ले, फिनाइल पी ले, चूहे मारने की दवाई ले ले, तो ये सब पॉइजनिंग होती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, पॉइजनिंग में अगर किसी ने पॉइजन को इंजेस्ट कर लिया है, वो पॉइजन कोरोसिव हो सकता है, एल्कली और एसिड एजेंट हो सकते हैं जो कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एल्कलाइन प्रोडक्ट्स के अंदर लाई, ड्रेन, टॉयलेट बॉवल क्लीनर, ब्लीच कोई पी ले, नॉन फॉस्फेट डिटर्जेंट ले ले या बटन बैटरीज ले ले, तो ये सब एल्कलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं। एसिड प्रोडक्ट्स में टॉयलेट बॉवल आते हैं, मेटल क्लीनर्स होते हैं, बैटरी की एसिड्स होती हैं, तो ये सब एसिड प्रोडक्ट्स हैं। तो कौन सा पॉइजन उसने लिया उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो कोरोसिव में हमें pH का ध्यान रखना होता है, तो यहाँ दिखाया गया है पूरा pH मीटर आपको दिखाया गया है भाई। 7 न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर जाता जा रहा है तो एसिडिटी बढ़ती जाती है और नीचे जा रहा है तो एल्कलिनिटी बढ़ रही है। जैसे मिल्क एसिडिक के आसपास आता है, नॉर्मल रेंज प्रेसिपिटेशन दिखाया गया है, फिश रिप्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाता है इससे ऊपर जा रहे हैं तो, एडल्ट फिश डाई होने लग जाती है अगर इससे ज़्यादा pH बढ़ जाए तो, एसिड रेन इससे ऊपर कॉज होते हैं जैसे विनेगर, लेमन जूस, बैटरी एसिड, ये सब एसिडिक रेन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नीचे कौन कौन से एल्कली है, तो बेकिंग सोडा, सी वाटर, मैग्नीशिया का मिल्क, अमोनिया की pH देखिए, लाई की देखिए, तो ये बताया गया है कैनेडा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, कर्टसी जो है वो बताई गई थी। अब पॉइजन कोई लेता है उसको मैनेज कैसे करना है, तो कोरोसिव पॉइजन किसी ने इंजेस्ट कर लिया हो तो पानी या मिल्क आप दे सकते हैं डाइल्यूट करने के लिए, पर ये अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर पेशेंट का एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो आप ये नहीं कर सकते हैं, या गैस्ट्रिक या ईसोफेजियल बर्न है, परफोरेशन हुआ है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, वाटर मिल्क जैसी चीज़ नहीं देनी है। एपिकैक सिरप दे सकते हैं वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाने के लिए, अगर पेशेंट अलर्ट है तो, होशो आवाज़ में आपके पास पेशेंट आ रहा है तो उसमें वॉमिटिंग करना के लिए आप एपिकैक सिरप दे सकते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज दे सकते हो ऑप्टेंडेड पेशेंट के लिए, एस्पायरेट को टेस्ट किया जा सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हो अगर पॉइजन जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है इस चारकोल पे, तो आप चारकोल दे सकते हो। कैथार्टिक बॉवल को क्लियर करने के लिए दे सकते हो अप्रोप्रिएट अमाउंट में। वॉमिटिंग अगर इंड्यूस नहीं हो रही है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक सबस्टांस और पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स,
तो कॉस्टिक सबस्टांस या पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स हैं तो फिर वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। तो आप क्या दे सकते हो, नेलॉक्सोम, फ्लुमाजेनिल, एट्रोपिन। नेलॉक्सोम जो है वो ओपिएट की ओवरडोज हो जाए तो उसकी एंटीडोट होती है नेलॉक्सोम, किसी ने ओपिएट बहुत ज़्यादा ले लिया हो। फ्लुमाजेनिल देते हैं अगर रिवर्सेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को रिवर्स करना हो, जो कि बेंजोडाइजापिन की वजह से हो जाती है तो आप दे सकते हो। एट्रोपिन रिवर्स कर देती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। ओपी पॉइजनिंग के लिए अपन एट्रोपी देते हैं। अब शॉक में कौन से ड्रग देते हैं, तो आपको पता है शॉक के लिए डोपामिन, डोब्यूटामिन और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एल्ब्यूटेरॉल, ये ड्रग्स दी जाती है शॉक के लिए, पड़ी हुई हैं ये ड्रग्स आपने। इसके अलावा जो एपिनेफ्रिन है वो अल्फा एड्रिनर्जिक इफेक्ट दिखाती है, कोरोनरी और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ा देती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा। बीटा एड्रिनर्जिक जो है वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है। 1 mg पर IV या IU अपन दे सकते हैं हर 3 से 5 मिनट के अंदर। अब शॉक में जो डोपामिन दी जाती है ये सिंपैथोमाइमेटिक होती है। हाइपोटेंशन, शॉक से जुड़ा जो हाइपोटेंशन है उसके लिए दी जाती है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देती है। व्हेन एट्रोपिन हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव, अगर एट्रोपिन इफेक्टिव नहीं है तो डोपामिन दे सकते हो जो हार्ट रेट को बढ़ाती है। कितनी दे सकते हो, 120 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से दे सकते हो 250 ml में। वीन पेशेंट्स ग्रेजुअली कैन रिजल्ट टू सीवियर हाइपोटेंशन इफ़ एब्रप्टली स्टॉप्ड, तो भाई अगर आप एकदम से ये डोपामिन छुड़वा दोगे पेशेंट में तो पर्सन को सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम से नहीं छुड़ानी है ये ड्रग। IV साइट को आपको एसेस करना है 1 घंटे तक, एक्स्ट्रा वासेशन ना हो रहा हो, नहीं तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा डोपामिन के एक्स्ट्रा वासेशन से, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है IV साइट देते समय। सिम्पेथोमाइमेटिक में अगर बीटा 1 इफेक्ट दिखा रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, केवल कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। इसमें 250 से 1000 mg की डोज 250 ml में दी जाती है। अब नॉरएपिनेफ्रिन जो अपन शॉक में देते हैं ये एक्सट्रीमली पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये आप पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। दी जाती है तब जब डोपामिन और डोब्यूटामिन का असर फेल हो जाता है। डोपामिन डोब्यूटामिन अगर अपना असर नहीं दिखा रही हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन देनी पड़ती है। 4 से 8 mg 250 ml में दी जाती हैं ये, या 0.5 से 30 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप इसको इन्फ्यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर किसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक हुआ है तो एल्ब्यूटेरॉल दे सकते हो, मतलब सालब्यूटामॉल दे सकते हो, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रिवर्स कर देता है। बीटा 2 एगोनिस्ट है, नेब्यूलाइजर से एडमिनिस्टर कर सकते हो। साइड इफेक्ट में ट्रिमर हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, डिसरेदमिया हो सकता है हार्ट में और हाइपरटेंशन पर्सन को हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डाइफेनहाइड्रामिन या डाइफेनहाइड्रामिन आप ड्रग ले सकते हो, जो कि एंटी हिस्टामिन अपना एक्शन रखती है, ये हिस्टामिन को कम कर देगी जिससे कि टिश्यू में स्वेलिंग और प्रूराइटिस ठीक हो जाएगा। हिस्टामिन आप जानते हो ना इन्फ्लामेशन कॉज करता है, तो 25 से 50 mg डाइफेनहाइड्रामिन की अपन IV दे सकते हैं, या फिर डीप IM आप इसकी ड्रग एनाफाइलैक्टिक शॉक में दे सकते हो। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसी को हो गया, क्राइसिस हो रहा है, BP बहुत भयंकर तरीके से बढ़ चुका है, इसको अपन हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, तो डायस्टोलिक प्रेशर इसमें 110 से 120 mmHg बढ़ जाता है और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, तो लैबिटालॉल ये बीटा ब्लॉकर है, हार्ट रेट को कम कर देती है, हार्ट रेट को, BP को, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देती है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन को कम कर देती है। इसकी डोज 10 mg IV आप 1 से 2 मिनट के लिए दे सकते हो, मैक्सिमम 150 mg तक देनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ये एस्थमा के पेशेंट्स में नहीं दी जाती भाई, ये ध्यान रखना, एस्थमा में लैबिटालॉल आपको नहीं देनी है। तो पर्सन आपके पास आए हाइपरटेंशन क्राइसिस में तो पहले चेक करिए उसको कहीं एस्थमा तो नहीं है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या कर देता है ये, हार्ट रेट, BP, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी कम कर देता है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड,
पढ़ी है ये ड्रग भी आपने, आर्टियल बीपी को कम करती है, इमीडिएट वैसो डाइलेशन करती है, तो बीपी एकदम से कम हो जाएगा पर फिर वापस बढ़ भी जाता है अगर आपने ड्रग को स्टॉप कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने पहले ही बताई थी आपको। ये इनएक्टिवेटेड बाई लाइट रैप इन एल्युमिनियम फॉइल, अगर आप इसको यूं ही खुली छोड़ दो तो रोशनी से ये ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है, कोई काम की नहीं रहेगी, इसलिए इस ड्रग को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को आपको हमेशा एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके ही रखनी है। ब्लू या ब्राउन डिसकलरेशन हो जाता है, इसका मतलब वो ड्रग डिग्रेड हो गई है, तो वो ड्रग आपके काम की नहीं, तो आप उसको देखभाल करके ही यूज़ करें। और अगर लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है इस ड्रग से, तो लंबा ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं करना है। ये तो डायग्राम आपको याद ही है, मैंने आपको पढ़ाया था। डायूरेटिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था भाई, बॉमेंस कैप्सूल से पीसीटी जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर एसिटाजोलामाइड ड्रग एक्ट करती है, पीसीटी में मैनिटॉल भी एक्ट कर रही होती है जो कि लूप डायूरेटिक्स है। वैसे पीसीटी के बाद में ये हैनलेज लूप स्टार्ट हो गया है, तो हैनले लूप पे मैनिटॉल का असर पड़ रहा होता है, और फिर हैनले लूप में असेंडिंग डिसेंडिंग है, इसके बाद लूप डायूरेटिक्स यहाँ पर दे रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल पर भी ये एक्ट कर रहे हैं, और थायाजिड डायूरेटिक्स जो कि लूप डायूरेटिक भी है और कॉन्वोलुटेड ट्यूब के ऊपर भी एक्ट कर रही होती है। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट पर कॉन्वोलुटेड लूप के ऊपर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एमआरए एक्ट करता है। तो ये कैसे कैसे एक्ट करते हैं वो यहाँ पर आपको साइड में दिखाया गया है कि जो एसिटाजोलामाइड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर देती है, सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो हैं पीसीटी पर जो एक्ट कर रहे थे ये वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, मैनिटॉल वगैरह जो बताए गए हैं, लूप डायूरेटिक्स सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ता है, पोटेशियम और क्लोरीन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। फोर्थ नंबर पे जो थायसिड डायूरेटिक्स बताई गई हैं ये सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, सोडियम क्लोराइड का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। फिफ्थ पे आपको एंड जो ड्रग बताई गई है वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट या एंटागोनाइज कर देती है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को, जिससे कि सोडियम और सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है पर पोटेशियम का रिटेंशन बढ़ता है, यानी पोटेशियम को रोक रही है सोडियम को एक्सक्रीट कर रही है। तो डायूरेटिक्स के बारे में बताया गया हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। अब फिरोसामाइड ये लूप डायूरेटिक है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए दे सकते हो, अगर किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हुआ हो या हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुआ हो तो दे सकते हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर ये डायूरेसिस शुरू हो जाएगा इसकी वजह से। एडवर्स में ये बीपी कम कर देगी, बॉडी सूखने लग जाएगी पानी कमी होने की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। नाउ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, भाई किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है ऐसा पेशेंट आपके पास आया तो आप फिनाइटोइन दे सकते हो स्लो आईवी इंजेक्शन के रूप में। इन्फ्यूज़न रेट जो है वो 50 एमजी पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एडल्ट्स में, और 1 एमजी पर केजी पर मिनट के हिसाब से ज़्यादा बच्चों में नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन इसको 0.9% सलाइन के अंदर डाइल्यूट करना है ताकि इसकी कंसंट्रेशन 5 mg पर ml से ज़्यादा ना बढ़ सके। रैपिड इन्फ्यूज़न अगर करना है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कर सकते हो तो फिर वो हाइपोटेंशन कॉज कर देगा, इसलिए रैपिड नहीं करना है, इसका स्लो ही करना है। यूजुअल इसकी लोडिंग डोज 15 mg पर kg इंट्रावीनसली होती है। ख़त्म आपके पास ये जो एमरजेंसी वाला टॉपिक था, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।